उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि 25 दिसंबर की रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोरोना के कई पेशेंट तमाम राज्यों में मिले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश भी बहुत सतर्क है। हम फिरोजाबाद में इस समय मौजूद है, फिरोजाबाद का सदर बाजार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी लोग लापरवाह हैं, तमाम बाइक निकल रही हैं, कोई भी युवा या कोई भी वृद्ध या कोई तमाम लोग निकल रहे हैं, कोई भी मास्क लगाए हुए आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कोरोना कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी कोरोना आया था, दूसरी लहर आई थी, अब तीसरी लहर है, जो वायरस है ओमिक्रॉन है। और उत्तर प्रदेश में अभी इतनी हालत ख़राब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरतते हुए रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। लेकिन लोग लापरवाह हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग। मैम क्या नाम है? मैम कुछ नहीं कहना है। मास्क क्यों लगाया आपने? क्यों मास्क? आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश है। महेश, मास्क क्यों नहीं लगाया जब सरकार ने आदेश कर दिया कोरोना की तीसरी लहर आ रही है? मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है तो बीमारी का इंतजार कर रहे हैं क्या? बीमारी आएगी तभी करेंगे। हम तो सफल बढ़िया हैं। तो लगा क्यों नहीं रहे? छोटा बच्चा भी आपके साथ है। हटना लगाएंगे क्यों नहीं बता दो तो दीजिए। लगा लेंगे, हटो। इनका कहना कि साहब ये मास्क लगा लेंगे, ना कोई बीमारी नहीं है, ना इंतजार है। आपका क्या नाम है? आकाश यादव। आकाश जी, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? सरकार ने जब आदेश कर दिया कोरोना की तीसरी लहर आ गई है तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अब लगाएंगे, सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसको पालन करेंगे और क्या। कोरोना कोई नई चीज़ तो है नहीं, पहले भी आ चुका है ना, आपको चिंता नहीं है आपकी लाइफ? ऐसा है, जब चुनाव नजदीक आया तो सरकार कुछ ना कोई फुल्ट जारी कर देती है। जब विधानसभा चुनाव तो इंडिया में है भाई, विदेशों में भी कोरोना फैल रहा है, तो विदेशों में तो चुनाव नहीं है, चुनाव का बहाना क्यों बना? नहीं तो योगी जी जनसभा कर रहे हैं, उस पर भी कोरोना नहीं है क्या? जनता के लिए कोरोना है क्या? मोदी जी योगी जनसभा कर रहे हैं, अमित शाह जी को जनसभा कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है क्या? कल भी यात्रा लिख रही थी, वहाँ पे कोरोना नहीं था क्या? आपको आपकी जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं, वो तो हमको भी जिंदगी चिंता है। ये पर मास्क लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मास्क लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? इनका कहना है कि ये मास्क लगाएंगे, लेकिन इनका ये भी कहना है कि राजनीति स्टैंड चुनाव आता है तब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग लापरवाह हैं, मास्क लगाना नहीं चाह रहे हैं। और देख सकते हैं ये सामने ये दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकान बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आप? इरफान। इरफान नाम। इरफान जी, सरकार ने आदेश कर दिए हैं, आप एक व्यापारी हैं जी, 25 दिसंबर से रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लग जाएगा और मास्क जरूरी कर दिया है। आपके पास अगर कोई ग्राहक आएगा तो आप उसको मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, खुद भी लगाएंगे जी? कोरोना कोई नहीं है, नया नहीं आया, आप फिर भी मास्क नहीं लगाए हैं, क्यों लापरवाही की जा रही है? लगा लेंगे। कब लगा लेंगे? अभी लगाते। ग्राहक से क्या बोलेंगे? अरे ग्राहक को भी लगवाएंगे। सर आप किस नजर से देखते हैं? मास्क लगाए सर, कोरोना को सर कोई नई चीज तो नहीं आई? आप व्यापारी, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है आपकी जिंदगी के लिए तो सरकार पहल कर रही है। हाँ ये बात सही है, पर इस समय कुछ कोरोना का असर कम हो गया था, इस वजह से मास्क नहीं लगाया था, अब लगा लेते हैं उसको। अच्छा, आप व्यापारी हैं, जब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो कस्टमर आएगा उसको भी एक मास्क देंगे? बिना सामान भी नहीं बेचना उसको? नहीं, सामान भी नहीं बेचेंगे और उसको मास्क भी देंगे, मास्क लगवा करके उसको भेजेंगे। इनका कहना है कि जो कस्टमर आएगा उसको हम सामान तभी देंगे वो मास्क लगाएगा, उसके बाद मास्क नहीं होगा तो हम उसको मास्क देंगे। फिरोजाबाद में अभी लोग लापरवाह हैं, लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना नया है, लेकिन ये लोग जानना नहीं चाह रहे कि कोरोना कोई नया नहीं है, कोरोना काफ़ी दो बार आ चुका है, तीसरी लहर है, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे। सर आपका कहना? कपिल है? कपिल जी, तीसरी लहर आ गई और कोरोना कोई नया तो है नहीं, आप मास्क नहीं लगाए, आपकी मैडम भी नहीं लगाई? चलो लगा लेंगे। नहीं, सरकार आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है ना? हाँ हाँ, वैक्सीन लगा तो ली। वैक्सीन से नहीं हो रहा सर, मास्क लगाएंगे तभी कुछ होगा। चल लगा लेंगे। इनका भी कहना कि लगा लेंगे, लोग लापरवाह हैं, अभी उन्हें ये लग रहा है कि कोरोना पहली बार आया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर और वायरस नया ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन लोग लापरवाह हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं फिरोजाबाद के सदर बाजार में हूँ, मैंने कई लोगों से बात की। मैडम क्या नाम है आपका? इश्निया। इश्निया जी, तीसरी लहर आ गई है, आप बाजार में घूम रहे हैं, सरकार ने आदेश कर दिया मास्क की, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आपको अपनी जान की सुरक्षा नहीं है क्या? है भैया, सॉरी इसके लिए। आपका क्या नाम है? अरविंद। अरविंद जी, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मैं अभी बीजेपी की रैली में से होके आया हूँ, तो वहाँ जाके सब कुछ मेरा डिटर्जेंट की तरह क्लियर हो गया है। अभी तो आप सदर बाजार में घूम रहे हैं,
अभी फिरोजाबाद में कोरोना का सर, कल दिनेश शर्मा जी यहाँ पे आके मार गए सारे कोरोना कोरोना का पेशेंट नहीं है। कल दिनेश शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं, वो आगे सारे कोरोना मार गए। ऐसा कैसे हो गया? आप मास्क लाए हो ना, ऊपर है मास्क नीचे, क्या मतलब किस तरीके से दिखाना सर वो एक बार? तो दिखाइए, मैं तो बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो हो रहा है आपको अपनी जान की चिंता नहीं है ना सर? ऐसे ये लापरवाह लोग हैं ना, कह रहे मुझे अपनी कोई जान की चिंता नहीं है, मैं मास्क लगाऊं या ना लगाऊं, तमाम लोगों से बात की लेकिन पूरी लापरवाही फिरोजाबाद में देखने को मिली है। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।